अस्सलाम वालेकुम, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बैल आइकॉन को दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। हिजरत के 12वें साल में सुबह से शाम तक किसी ने कलेमा नहीं पढ़ा उस दिन, जिसे रजब की 26 तारीख कहते हैं, 12वीं हिजरी में। और फिर मेरे आका गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर इतने दुखी हुए, इतने अफसरदा हुए कि आप अपने चचा की बेटी हजरत अबू तालिब की बेटी जनाब उम्मे हानी उनके घर तशरीफ लाए, और तशरीफ लाने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर ओढ़ करके बिस्तर पर लेट गए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेराज है, अगर आप किताबों में मेराज पढ़ेंगे तो किसी में कुछ वाक्य लिखा है, किसी में कुछ लिखा है, किसी में कुछ लिखा है, किसी में कुछ लिखा है। पढ़ने वाले नौजवान सोचते हैं ये सही है, ये सही है कि ये सही है। जितना लिखा है किताबों में हदीस में वो सब सही है, लेकिन फिर इसमें तरतीब क्यों इधर उधर मिलती है? तो दरअसल मामला ये था कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की बारगाह में देहाती लोग भी आते थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे फुकहा सहाबा भी आते थे, और फिर जो है वो नॉर्मल किस्म के लोग भी आते थे। तो अल्लाह के हबीब अलैहि सलातो व तस्लीम जिसकी जितनी अक्ल होती थी उसकी अक्ल के मुताबिक उतनी बातें बताकर उसको रुखसत फरमा देते थे। तो जो जितना सुनता था वो उसको आगे बढ़ाता था। तो ये सारी बातें सही है, लेकिन सुनने वाला पढ़ने वाला थोड़ा सा जो है उसका जहन टेंशन में आ जाता है, कहीं पर जो है अल्लाह के रसूल अलैहि सलातो व तस्लीम ने ये बात बयान फरमाई और दूसरी बात हुजूर अलैहि सलाम ने बयान न फरमाई। तो ये लोगों की अक्ल के एतबार से गुफ्तगू की गई, लेकिन इसमें हमें कभी भी जो है वो माज़ अल्लाह शक में नहीं पड़ना चाहिए। इस्लाम और ईमान के बारे में, मजहब और मसलक के बारे में कभी भी आपको शुकूक व शुबात का शिकार नहीं होना चाहिए। हमारी अकलें कच्ची है, इस्लाम सच्चा है, हमारी अकलों में कच्चापन हो सकता है, इस्लाम में कोई कच्चापन नहीं हो सकता। तो अल्लाह के हबीब अलैहि सलातो व तस्लीम जो है सर में दर्द है, जल्दी जल्दी से गुफ्तगू अब आगाज करते हैं। सर में दर्द है मुस्तफ़ा जान रहमत जो पूरी पूरी रात जाग करके इबादत करते हैं, कभी कभी पैरों में वर्म आ जाता है, तो कुरान उनसे मोहब्बत का इजहार यूं करता है, तौहा मा अनज़लना अलैकल कुरान लितशका, ऐ मेरे प्यारे मैंने कुरान इसलिए तो नाजिल न किया कि आप मुशक्कत में पड़ जाएं। वो पूरी पूरी रात जागने वाले मुस्तफ़ा जान रहमत आज उम्मे हानी के मकान में सर से लेकर पैर तक चादर डाल करके सो रहे हैं। अल्लाह अकबर। ऐसे में कुदरत की तरफ से हुक्म आता है, जिब्रील जाओ 70,000 फरिश्तों को साथ लेकर के जाओ और मेरे महबूब को जगाओ, और जगा करके कहना खुदा आपका मुश्ताक है, आपसे मुलाकात का, आपसे मिलने का मुश्ताक है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों मैं आपको क्या अर्ज करूं, ये मुश्ताक को अल्लाह के लिए अगर उर्दू लुगत के एतबार से हम बयान करना चाहें तो अदब इस बात की इजाजत नहीं देता कि मुश्ताक के अल्फाज की कोई तशरी की जाए। अल्लाह अकबर। बारगाह उलूहियत का अदब हमें रोकता है कि हम अल्लाह अकबर उसके माना को जो है वो हकीकी माना पे महमूल हम नहीं कर सकते, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन आप इस उन्वान को एक तरफ रखें, मुश्ताक का मतलब क्या होता है, इश्तियाक का मतलब क्या होता है, शौक का मतलब क्या होता है, ये बारगाह उलूहियत के लिए नहीं कह रहा हूं। आप दूसरे मैदान में चले उसको अलग से मैं आपको समझाता हूं। मिसाल के तौर पर आप मेराज के जलसे में आए, जलसे मेराज में आए, अल्लाह अकबर, आपके जहन में खाका सेट था कि हजरत मौलाना हाफिज गुफरान साहब की जो है वो तुम तराक वाली तुझको एहतिशाम वाली निजामत आप सुनेंगे, इसी तरीके से हजरत मौलाना तजम्मुल साहब कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे, इसी तरीके से मुफ्ती साहब मसाइल बयान करेंगे, ये सब अल्लाह वाले आपकी फहरिस्त के खाके, आपके खाके की फहरिस्त में थे। ऐसे में चंद मदरसे के बच्चे आ गए, तवज्जो करना, और चंद मदरसे के बच्चे आकर के अब कोई नात पढ़ रहा है, कोई बयान कर रहा है, तो आप और ये हजरात स्टेज पर आते ही नहीं तो आपके दिल की धड़कनें तेज होती है, अरे वो क्यों नहीं आता जिसके लिए मैं आया था, वो क्यों नहीं आता जिसके लिए मैं आया था। और जब जब भी हल्की सी हवा आती है वो पलट कर देखते हैं, वो मेरा मतलूब तो नहीं आ गया, वो मेरा मुद्दा तो नहीं आ गया। इसको कहते हैं इश्तियाक, इसको कहते हैं इश्तियाक, यानी इंतजार हो कि वो कब आएगा, वो कब आएगा, वो कब आएगा। लेकिन ये बारगाहे उलूहियत के लिए हम बयान नहीं करते, ना कर सकते, मगर अल्लाह हो अकबर। अब इसको यही छोड़िए और फिर चलिए सफर मेराज की तरफ। अल्लाह जिब्रील से कहता है, अब यहां अंदाजा करें, अरे सब अल्लाह के बंदे हैं, अगर अल्लाह ताला फरमाए उसको मेरी बारगाह में हाजिर करो, वो मेरा बंदा है, तो ये अल्लाह का निशान है, वो जिसके लिए जो चाहे कहे। किसी के लिए उसने कह दिया
इन्नी कुंतु मिन अज़्ज़ालिमीन के अल्फाज कायतन बयान कर दिए, फगवा किसी के लिए कह दिया, किसी के लिए जो चाह कहा, किसी पर महबूब होने के बावजूद, मकबूल होने के बावजूद इताब किया, किसी को जन्नत से निकाला। अलग अलग ये शाने हैं कि नहीं, लेकिन है कोई इतराज करने वाला उस पर? मगर जब महबूब की बारी आती है, हबीब की बारी आती है, तो ये नहीं कहा जाता वो मेरा बंदा है, उसको मेरी बारगाह में हाजिर करो। क्यों? इसलिए कि महबूब को ऐसे थोड़ी बुलाया जाता, इसलिए कि आज शाने महबूबियत का इजहार होना है, कायनात को पता चले जिसके लिए कायनात बनाई उसको बुलाया कि शान से जाता है। तो कहा जिब्रील जाओ मेरे महबूब से कहना, खुदा आपका मुश्ताक है, आपकी लिका का मुश्ताक है, आपसे मुलाकात का मुश्ताक है, वो आलिमुल गैब व शहादा। और फिर कुरान उसको बयान करता है, सुबहान अल्लदी असरा बेअब्दिही, पाक है वो जात असरा जिसने सैर कराई। क्या कराई? सफर नहीं कराया, सैर कराई। जिसने सैर, इसलिए कि सफर और सैर में फर्क ये होता है कि सफर मजबूरी में भी होता है और सफर मसरूरी में भी होता है, खुशी में भी सफर होता है, गम में भी सफर होता है, मूड अच्छा तो भी सफर होता है, मूड अच्छा नहीं हो तो भी सफर होता है, चाहो तो भी सफर होता है, ना चाहो तो भी सफर होता है। मिसाल के तौर पे सेठ का फोन आ गया, जल्दी से नासिक पहुंचो, मूड नहीं है फिर भी जाएगा। सफर कभी भी होता है, चाहो तो भी ना चाहो तो भी। मैयत है, सफर हो गया, शादी है, सफर हो गया। लेकिन जब सैर होती है तो सैर हमेशा शौक से होती है और सैर के इंतजाम पहले से होते हैं, सैर के इंतजाम पहले से होते हैं। सफर में आदमी भाग 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 कर सफर करता है, लेकिन सैर में बंबई जा रहा है, सैर ही करना है, अब कोई टाइम ही नहीं। चांदोड़ में रुका, ये पहाड़ियां देखी, वो गुलिस्तान देखे, वो नहरें देखी, नासिक गुलशनाबाद में रुका, ये पार्क में गया, उधर झांका, उधर वो पिया, उधर वो खाया, है ना इसी तरीके से। और एक बात और, जब सफर किया जाता है तो साथ में दोस्त तो दुश्मन कोई भी होता है सफर में, लेकिन सैर में सिर्फ दोस्त होते हैं, सैर में सिर्फ दोस्त होते हैं। और दोस्तों में भी ना महरम नहीं होते, जो महरम राज होते हैं वो होते हैं, ताकि सैर की शौकिया और बेबाकियों को वो छुपाने का ज़र्फ रख सके। कम ज़र्फों को साथ नहीं लिया जाता सैर में, अहले ज़र्फ को साथ लिया जाता है। तो कुरान कह रहे बेअब्द ही, ये बा जो है बेअब्द ही का बा, ये माइज़त का फायदा देता है, यानी अपने बंदे खास को अपने साथ ले गया, जो आने जाने से पाक है बेअब्द ही। ये मायत खुसूसी है लेकिन बिला कैफ है। अब ये बिला कैफ उलमा समझते हैं बिला कैफ के, लेकिन साथ में यार है, अपने साथ ले गया, कैसे सैर कराई। एक बात और बता, मैं लोगों को मेराज में कहता हूं कि अगर कोई पार्क में कोई इमारत को देखने में गाइड साथ में हो तो लुत्फ अलग होता है, अलग देखो तो लुत्फ अलग होता है ना। अगर आप ताजमहल यूं ही देख लें घूम फिर कर, ताजमहल अच्छा दिखेगा, गाइड के साथ देखोगे तो अलग। मैं कोई गाइड की तशहीर करने नहीं आया, लेकिन अलग बात है। किसी आप इमारत को देखोगे तो वो कुछ खास बात बताए, भाई बना था आज से बना था सदियों पहले, बता रहा है गाइड, तो उसकी बारीक बातें जब वो उस पर तवज्जो दिला रहा है ठीक। लेकिन अगर बनाने वाला खुद बताता तो कैसे बताता? तो ये बेअब्द ही मायत खुसूसी के साथ ले जाया जा रहा है। तो जो सैर करा रहा है कौन करा रहा है? बनाने वाला, कायनात को बनाने वाला खुद। और लेकिन बात अब यहां आकर के थोड़ी सी लोगों को जो वो तालिबे इल्मों को खटकती है, और बल्कि मोमिन हो तो ना खटके, लेकिन मोतरिस को करते हैं कि चले बेअब्दी लैला रात के कलील हिस्से में। तो कोई कहे मौलाना ये रात भी कोई सैर के लिए होती है, और वो भी 27वीं, उसमें तो चांद भी नहीं होता, रात है सूरज नहीं है, और 27वीं है तो चांद भी नहीं है, ना चांद है ना सूरज है, फिर सैर कैसी? तो नंबर एक जवाब ये हमारे बुजुर्गों ने दिया बड़ा खूबसूरत, नंबर एक ताकि
चले। तू देखने के लिए उजाले का मोहताज है, लेकिन निगाहें मुस्तफा उजाले की मोहताज नहीं है। वो जैसे उजाले में देखते हैं वैसे अंधेरे में भी देखते हैं। चांद और सूरज उनके मोहताज है, वो चांद और सूरज के मोहताज नहीं है, बल्कि वो चांद और सूरज तो उनके यूं मोहताज है। मेरे इमाम कहते हैं, वो फरमाते हैं कि इमाम अहले सुन्नत ने बहुत खूबसूरत अंदाज में फरमाया, कहते हैं कि नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं महरुमा, उठती है कि शान से गर्दे सवारी वाह वाह। तो फिर लेकिन आगे, ये तो मैंने एक अपनी जवाब दिया कि वो मोहताज नहीं है, लेकिन कुरान कहता है, कुरान क्या कहता है बताए, अल्लदी बारकना हौला, सैर का मतलब अल्लदी बारकना हौला, वो मस्जिद अक्सा तक का सफर इसमें बयान हुआ है, अल्लदी का कि उसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी, लेनुरियहु मिन आयातिना, ताकि अपनी निशानियां दिखाएं। और अब कहा जा रहा है इन्नहु हुवस समीउल बसीर, तो चूंकि कुरान की एक एक आयत की 70,000 तफासीर है, तो इन्नहु हुवस समीउल बसीर, ये इन्नहु हुवस समीउल बसीर की जो जमीर है वो ज़ाते खुदा की तरफ भी लौट रही है, और इन्नहु हुवस समीउल बसीर की जमीर मुस्तफा जाने रहमत की तरफ भी लौट रही है। तो रात में सैर पे अगर किसी को एतराज है तो खुदा खुद कह रहा है इन्नहु हुवस समीउल बसीर, के उनके देखने और सुनने पे इतराज न करना, इसलिए कि वो है कि वही सुनने वाला है, वही देखने वाला, ऐसा सुनने वाला के लोहे कलम की आवाज भी सुन ले, और ऐसा देखने वाला अल्लाह अकबर के जो जौहर ना हो वो उसको भी देख ले। उसका देखना जैसा कोई देखना नहीं, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वाले की हिम्मत पे लाखों सलाम। तो ये आयत मैंने अर्ज की, तो अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जाओ और मेरे महबूब को जो वो दूल्हा बना करके लाओ। फिर क्या हुआ, जिब्रील आए, दस्तक नहीं दी बल्कि छत खुली। फिर कहता हूँ अब तबसरे करेंगे तो वक्त ही लगेगा, और वो मकसद जो है आज के मेराज बयान ना हो सकेगी, तो हमेशा की तरह यही होगा कि फिर कभी, लेकिन आज फिर कभी अल्लाह करे कहने का मौका ना आए, वक्त में इतनी बरकत हो कि हम बात मेराज तक पहुँचे। तो आका अलैह सलाम के लिए अदब ये था, देखो अदब, छत खोलकर। अब आप कहेंगे जब छत खुलेगी तो धड़ 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 की आवाज तो होगी, वो तेरा मिस्त्री थोड़ी था यार कि वो छत खोले तो धड़ धड़ाए। वो जिब्रील अमीन है, और जिब्रील कोई मामूली हैसियत की है, हस्ती नहीं है, वो मखदूमे कुदसियां हैं, वो कुदसियों के मखदूमे सैयदुल मलाइका है, फरिश्तों के सरदार है। उन्होंने छत खोली और आ गए, छत फाड़ कर आए, और मेरे आका अलैहि सलाम को सोते देखा तो फिर पूछा मौला इन्हें कैसे जगाऊं, जगाने का तरीका अल्लाह से पूछा, सैयदुल मलाइका पूछने कैसे जगाऊं, हुक्म होता है अपनी पेशानी को अपने सर को मेरे महबूब के तलवे पर रख दे। खुदा का शुक्र अभी 1857 का दौर आया न था, वरना जिब्रील भी लोगों के फतवों की इज्जत से महफूज न रहते, मगर वो दौर तो खैरुल कुरून था, वो दौर तो सैयदुल कुरून था। अल्लाह अकबर, जिब्रील को महबूब के तलवे पे सर रखने के लिए कहा गया, और अहले सुन्नत का इमाम झूम कर कहता है जब जिब्रील ने अपने सर को तलवे मुस्तफ़ा पे रखा होगा तो मंजर क्या होगा। देखो ये मेरे गुनहगार हाथ इस काबिल नहीं कि तलवे मुस्तफ़ा की तरफ इशारा कर सके, ये गुनहगार सियाकार बदकार हाथ हैं, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए इशारा दे रहा हूं। मुस्तफा जाने रहमत के गोरे गोरे तलवे खड़े हैं और जिब्रील अमीन उस पर सर रखते हैं। जिब्रील के सर पर नूरानी नूर का बना हुआ जन्नत के मोतियों का ताज है, और अल्लाह फरमाता है जिब्रील मेरे महबूब के कदमों पर अपना सर रख दे। तो ताज अल्लाह अकबर, जिब्रील अमीन के सर का ताज, जब जिब्रील सर रखते हैं तलवे मुस्तफा पर तो ऐसा लगता है जैसे जिब्रील के सर के ताज के मोती मुस्तफा जाने रहमत के तलवों को सजदा कर रहे हो। और कयामत तक मोमिनों को बताया जा रहा है कि सैयदुल
मलाइका जिब्रील अलैहिस्सलाम जो सारे नूरियों का फरिश्तों का सारे मलाइका का आलम बाला के फरिश्तों का कायनात के सारे फरिश्तों का जो सैयद व सरदार है सैयदुल मलाइका है रूह आजम जिसका लकब है रूहुल कुदुस जिसका लकब है जो अंबिया के पास अल्लाह का अमीन बनकर वही लाने का काम करने वाला फरिश्ता है उसका सर तलवे मुस्तफा में रख करके लोगों को बताया जाता है इनको अपनी तरह समझने की कोशिश न करना जहां से जिब्रील के मकाम की इंतहा होती है वहां से महबूब के तलवों की इब्तिदा होती है। अल्लाह अकबर। और मेरे इमाम कहते हैं ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहि सलाम के तलवों की शान क्या है और जिब्रील ने फिर हक के खिदमत अदा किया। वाह वाह सुभान अल्लाह क्या मुकद्दर है। अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन। और इससे अपने नबी की शान का अंदाजा करें। मैं अपनी माओ और बहनों से भी कहता हूं आज पूरी दुनिया में मुसलमान जो जलील और रुस्वा है उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि मुस्तफा जाने रहमत के इश्क से मोहब्बत से ताजीम से तुम दूर हो चुके हो। अपने नबी की अजमत का अंदाजा कर सकते हो। सैयदुल मलाइका सिदरा पे का मकीन सिदरा पे रहने वाले जिब्रील मुस्तफा जाने रहमत के तलवों पर अपना सर रखते हैं अपनी काफूरी पेशानी को मुस्तफा जाने रहमत के तलवों से मलते हैं। हद है हैरानी है मुझे अक्ल इंसान हैरान है। आका जगते और जगते में जिब्रील आकर कहते कि चलिए तो बात अलग थी लेकिन हुजूर का कोई अंदाजे दिल रुबाना तो देखे हुजूर का कोई अंदाजे दिल रुबाना तो देखे। अल्लाह अकबर। मेरे आका आज जाने की रातें सो रहे हैं और जिब्रील अपने तलवों मुस्तफा जान रहमत के तलवों से काफूरी पेशानी मलते हैं। हुजूर ने आंखें खोली जिब्रील क्या बात है। अल्लाह आपको सलाम कहता है चलिए अल्लाह आपका मुश्ताक है। हुजूर ने जब यह खबर सुनी अब कितने खुश हुए होंगे। अल्लाह को देखने जाना है कितने खुश हुए होंगे अंदाजा है। अरे अगर किसी मोमिन को यह कहा जाए कि 8 दिन के बाद तुम्हें मदीने शरीफ जाना है तो उसके दिल की खुशी का आलम क्या होता है। यार के घर जाने की खुशी ही अलग होती है। इंसान का के बस में रहे तो इंसान मौत से भी कहे कि अगर बस में हो तो तुम्हें कहूं कि अगर आना हो तो जरा रुक कर आना दरे यार पर चलने की मोहलत तो दे। हुजूर कितने खुश हुए होंगे अल्लाह को देखने जाना बेहिजाब बेनकाब खुदा को देखने जाना। हुजूर फरमाते मैंने गुस्ल किया बल्कि उससे पहले यह रिवायत है कि जिब्रील ने मेरा सीना चीरा सीना चीर कर मेरा दिल निकाला दिल निकाल के जमजम के पानी से धोया धो करके जो एक कष्ट में जो चीज थी अनवार और तजल्लियात हिकमत और नेमतें वो मेरे सीने में भरी और हाथ फेर दिया और हाथ फेर करके जो है फिर मेरा सीना बराबर हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम का शक्के सदर यानी सीने का सदर अकदस का चाक होना ये 4 मरतबा हुआ। एक जो है हलीमा सादिया के घर बिल्कुल बचपन में दूसरे नंबर पर जो है वो हुजूर अलैहिस्सलाम जब जवानी की दहलीज पे कदम रखने वाले थे। लोग लड़कपन कहते हैं मैं कहता हूं लड़कपन न कहा करो इसलिए कि अपने अपने जौक की बात है नहीं वहां कोई लड़कपन नहीं है वहां बचपने के बाद फिर आलम शबाब की इब्तिदा है इतना कह दें। तो उस वक्त तीसरी मरतबा नुज़ूल वही से पहले और चौथी मरतबा मेराज मुस्तफ़ा की शब मेराज की रात सीना चीरा गया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सीने पर निशान थे सीने का सीने पर सीने को सीने का निशान था। किसी उम्मत में बाईपास सर्जरी का कोई तसव्वुर नहीं था सिवाय उम्मत मुहम्मदिया के। गोया के हदीस इशारा कर रही है कि किसी का दिल निकाला भी जा सकता है और निकालने के बाद वो बंदा जिंदा भी रह सकता है। ये हदीस के इशारे हैं ये हदीस के इशारे हैं। हालांकि हम उसको बाईपास सर्जरी नहीं कहते लेकिन हदीस इशारा दे रही है कि दिल निकाला गया धुला गया सीने के अंदर फिर वापस से रखा गया। अल्लाह अकबर। फिर आका फरमाते मैंने गुस्ल किया शुक्राने की नमाज पढ़ी और फिर मैं जो है हतीम में मैंने शुक्राने की नमाज पढ़ी तो फिर मेरे सर पे जिब्रील ने अमामा बांधा। साहिब मुआरिजुन नबुवा लिखते हैं कि जो अमामा शब मेराज रसूलुल्लाह के सर पे बांधा गया था वो आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से हजारों साल पहले अल्लाह ने फरिश्तों को कहा था कि ऐ फरिश्तों वो अमामा तैयार करो महबूब को शब मेराज जब अर्श पर बुलाएंगे तो उसके लिए अमामे की तैयारी करो वो अमामा सर पे बंधवा करके बुलाएंगे। वो अमामा हुजूर के सर पे बांधा गया और उसके बाद आका फरमाते हैं एक सफेद रंग की सवारी मेरे पास लाई गई जो गधे से कुछ बड़ा था और खच्चर से छोटा था और उसमें अजायब थे
उसके बारे में, बुराक के बारे में मेरी गुफ्तगू कभी हो चुकी है। एक बुराक था हुजूर की सवारी, उसमें सारी मखलूक का लुक सिमट आया था, चेहरा उसका इंसान की तरह था, पीठ उसकी घोड़े की तरह थी, पैर उसके जो है वो घोड़े की तरह थे, उसमें पर भी थे, उसके सर पे ताज था, उसकी आंखों में रोशनी इतनी थी कि वो जहां उसका उसकी नजर जाती वहां उसका कदम जाता, इतनी तेज रफ्तार थी वो सवारी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस पे बैठने लगे, उसने शौकी की, उस पे वजदानी कैफियत तारी हुई, और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसको कहा कि ये क्या शौकी करता है, आने के लिए तो तड़प रहा था, अभी शौकी करता है आने के लिए। तड़पने का मामला हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि जब जिब्रील जन्नत में बुराक लेने गए और सारे बुराक खुश थे, ये रो रहे थे कि आज इतने बड़े बड़े मौजूद है, मुझे क्या ले जाया जाएगा, और कुदरत ने कहा यार के लिए जो रोता है तड़पता है उसी को यार की लेका नसीब होती। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि हुजूर का दीदार चाहिए, मैं कहता हूं आसान तरीका है, यार के दीदार के लिए तड़पते रहो, रातों को रोते रहो, दुरूद पढ़ते रहो, बिलखते रहो, आजिजी करते रहो, फिर उनका करम देखना, फिर उनका करम, फिर उनका करम है, उनके करम की बात ना पूछो। तो जिब्रील ने कहा कि आने को तो तुम इस तरह से शौक का इजहार कर रहे थे, और इससे बड़ा अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला कौन है। तो बुराक को पसीने आ गए, शर्मसार हो गया बुराक, और उसने कहा आज शौकी की वजह यह है कि आज मुझे अपनी सवारी बना रहे हैं, तो चूंकि ये रात मांगने की रात है, ये रात मांगने की रात है, तो मैं ना मांग लूं, कब मैं इसलिए शौकी करता हूं ताकि हुजूर मुझसे वादा करें कि जैसे आज मुझे अपनी सवारी बनाया, कयामत के दिन छोड़ ना दें, कयामत में भी हुजूर मुझे अपनी सवारी बनाए। अब वो तो करीम दाता, वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, हुजूर ने उसको अता फरमाया।